बटर मेकिंग प्रोसेस। देखो ये वीडियो मैं स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि सर बटर मेकिंग प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो और ये वीडियो मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जिनका एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में हमने चीज़ मेकिंग प्रोसेस पढ़ लिया था जो कि इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम पर्पस से, और बटर मेकिंग प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। ठीक, तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पर्पस से ही हम इसको पढ़ेंगे। बटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मक्खन। तो मक्खन तो आप घर पर भी बनाते हो, तो आप जो घर पर मक्खन बनाते हो और जो मक्खन एक इंडस्ट्रियल लेवल पर बनता है, एक फैक्ट्री में बनता है, बकायदा एक पूरे प्रोसीजर के साथ बनता है, उसमें क्या अंतर है वो हमको देखना है। और हमको मेनली फोकस करना है जो फैक्ट्री लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर मक्खन बटर बनाया जाता है उस प्रोसेस पर, वहीं से कई सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करो, आप बटर को कैसे डिफाइन करोगे, मक्खन को कैसे डिफाइन करोगे। कहने को तो हम कहते हैं कि भाई ये मक्खन है, ये बटर है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप उसे डिफाइन कैसे करोगे? देखो बड़ा सिंपल है, बटर क्या होता है? फैटी प्रोडक्ट है, ये एक फैटी प्रोडक्ट है। ठीक है, किसका फैटी प्रोडक्ट है? मिल्क का फैटी प्रोडक्ट है, और किसका होगा? पानी से तो बनता नहीं है बटर। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या बन गई, बटर इज द फैटी प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। मिल्क भी किसका? मोस्ट ऑफ द केसेस में काउ और बफेलो का मिल्क हम यूज करते हैं। ठीक है, बटर बनाने के लिए काउ और बफेलो का हम मिल्क का यूज करते हैं। इसके अलावा दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसको समझो। एक सॉल्यूशन होता है वाटर इन ऑयल टाइप, इमल्सन है ये सॉल्यूशन, इमल्सन, और एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप। क्या होते हैं भाई? देखो बड़ा सिंपल तरीका है समझने का, जैसे कि मैंने एक बर्तन इधर लिया और एक दूसरा बकेट, दूसरा बर्तन इधर लिया। इसमें एक बर्तन में मैंने भर दिया मान लो ऑयल, ठीक है, इस दूसरे बर्तन को मैंने फिल कर दिया मान लो वाटर, ठीक। इसमें अगर मैं थोड़ा सा मिला दूं वाटर और इसमें थोड़ा सा मिला दूं ऑयल, ये क्या है भाई? इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है और इसमें वाटर में थोड़ा सा ऑयल है, समझ गए? इसे क्या कहेंगे? वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, और इसे क्या कहेंगे? ऑयल इन वाटर। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि दूध में पानी मिलाना या पानी में दूध मिलाना। कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, कुछ लोग पानी में दूध मिलाकर बेचते हैं। तो आप कैसा दूध खा रहे हो भाई, कैसा दूध पी रहे हो, ऑयल इन वाटर टाइप का या वाटर इन ऑयल टाइप का? तो अपन का उससे, मैं तो एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, हमें यहाँ से समझना है बटर क्या है, बटर किस टाइप का इमल्सन है, वाटर इन ऑयल टाइप या ऑयल इन वाटर टाइप। चलो मिल्क का बताओ भाई, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इन दोनों में से किस टाइप का एग्जाम्पल, किस कैटेगरी में हम मिल्क को रखना चाहेंगे, ऑयल इन वाटर टाइप या वाटर इन ऑयल टाइप? ध्यान रहे यहाँ पर क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप मतलब ऑयल क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है, और वाटर है आपका मिनिमम क्वांटिटी में, और ऑयल इन वाटर टाइप मतलब यहाँ पर ऑयल है मिनिमम क्वांटिटी में और वाटर है मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो मिल्क, सिंपल सी बात है भाई, मिल्क के अंदर मोस्टली क्या होता है, वाटर, और इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके फैट, फैट का मतलब आपका ऑयल, मतलब मिल्क कैसा हो गया आपका, किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑयल इन वाटर टाइप। ये आप लोग याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, मिल्क क्या होता है, इट इज़ अ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। बटर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाटर इन ऑयल टाइप, इसके अंदर क्योंकि बटर के अंदर मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, ऑयल का, फैट का, और मिनिमम पार्ट होता है वाटर का। तो बटर किसका एग्जाम्पल होता है आपका, वाटर इन ऑयल टाइप। इसके अलावा आप सर्दियों में कोल्ड क्रीम यूज करते हो, कोल्ड क्रीम भी किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक, तो बटर को डिफाइन करने का एक और तरीका है,
ये तो है ही आपका, बटर इज़ दी फैटी प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, बटर इज़ दी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, बटर इज दी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। ठीक, कंटेंट की बात करते हैं। चलो कंटेंट के बाद सीधे इसकी प्रोसेस पर आएंगे। कंटेंट की बात करेंगे यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग बटर के अंदर क्या कंटेंट होने चाहिए। ठीक, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए बटर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चर की। 16% मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए, ये WYW के बेसिस पर है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कंटेंट है, मतलब मैक्सिमम 16% तक ही होना चाहिए, 16% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट बटर के अंदर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्वांटिटी क्या डिफाइन की है FSSAI ने, 16%। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 किलो बटर है तो उसके अंदर 16 केजी मॉइस्चर कंटेंट होगा। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है मिल्क फैट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिल्क फैट कितना होना चाहिए। मिल्क फैट होना चाहिए 80%, ये भी आपका वेट बाय वेट के हिसाब से है, लेकिन ये वैल्यू है मिनिमम, ध्यान रखना ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू मतलब बटर के अंदर कम से कम 80% मिल्क फैट होना ही चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू, 80 से कम तो होना नहीं चाहिए। भले ही ऊपर रख सकते हो आप, 80, 81, 85, 90% तक भी हो सकता है, लेकिन 80 से कम, 80% से कम मिल्क फैट नहीं होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ये जो बटर की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये टेबल बटर की बात कर रहा हूँ। टेबल बटर का मतलब जो मार्केट में मिलता है, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। एक होता है घर पे जो हम बटर बनाते हैं जिसको हम देसी बटर कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो अपना मिल्क फैट है देसी बटर के अंदर 76% होना चाहिए। ठीक है, किस में? देसी बटर के अंदर, अपने वाइट बटर के अंदर, जो बटर हम घर पे बनाते हैं जो डेयरी में बनता है उनमें 76% होना चाहिए FSSAI के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद आ जाओ मिल्क सॉइलेड। अब मिल्क सॉइलेड क्या होता है, देखो मिल्क के अंदर तीन ही चीज़ें तो सॉइलेड में होती हैं, एक लैक्टोस, प्रोटीन और फैट। तो इस मिल्क सॉइलेड में से फैट को निकाल दो, क्योंकि फैट का कंटेंट तो हमने ऊपर देख लिया 80%। अब बचता क्या है, लैक्टोज और उसका कैसीन। तो बाकी का जो बचा मिल्क सॉइलेड है एक्सेप्ट फैट, फैट को इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो फैट को छोड़कर बाकी का जो बचा सॉइलेड है, मिल्क सॉइलेड है, वो होना चाहिए 2%। ये भी आपका वेट बाय वेट है और ये भी मैक्सिमम कंटेंट है। ठीक, और तीसरा होता है सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए 3%, ये भी आपका वेट बाय वेट मैक्सिमम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं FSSAI के अकॉर्डिंग बटर के अंदर। ठीक है, इस देसी बटर में ये सारे कंटेंट सेम रहेंगे, बस मिल्क फैट में थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पर 76% और टेबल बटर के अंदर 80%। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है टेबल बटर के अंदर, अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ ना पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है 80%। अगर वो आपसे नॉर्मली बटर बोल रहा है तो आप उसे टेबल बटर ही समझना। ठीक है भाई, तो ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ प्रोसेस पर, क्या प्रोसेस है, कैसे बटर बनाया जाता है, हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, हर एक स्टेप का इंपॉर्टेंस समझेंगे कि क्यों वो स्टेप हो रही है, क्यों उस स्टेप की रिक्वायरमेंट है। देखो बटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क। ठीक है, फैक्ट्री लेवल की बात करेंगे हम, इंडस्ट्रियल लेवल की, तो सबसे पहले तो हमें मिल्क का कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कलेक्शन करो यहाँ वहाँ से, अलग अलग किसानों से जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वहाँ से हम मिल्क को रिसीव करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिल्क हमने रिसीव किया। अब मिल्क को रिसीव करने के यहाँ पर तीन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो हम जितना भी मिल्क आ रहा है उसको वेइंग करेंगे, उसको उसका वेट लेंगे, वजन लेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पर सैम्पलिंग प्रोसेस की जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, मतलब इस दूध की हमें जांच करनी है कि ये दूध बटर बनाने के लिए ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें सैम्पलिंग, अब चूंकि सैम्पलिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई मान लो आपके पास 100 लीटर मिल्क आता है, तो पूरा की पूरा 100 लीटर तो जाँच नहीं कर सकते, उस 100 लीटर में से थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली जाती है, उसी को सैम्पल कहते हैं, उस सैम्पल की जाँच होती है। ठीक है, सैंपल की जांच होने के बाद, जांच में एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेडिंग होती है।
तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? ग्रेडिंग। ठीक है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। वेइंग करोगे, वेइंग के बाद उसकी सैम्पलिंग करोगे, और सैम्पलिंग के बाद ग्रेडिंग करोगे। यहाँ पर ग्रेडिंग के तीन पैरामीटर्स हैं और तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी फर्स्ट ग्रेड क्रीम, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके सेकंड ग्रेड क्रीम, और थर्ड होती है आपकी रिजेक्टेड क्रीम। फर्स्ट ग्रेड क्रीम का मतलब होता है जो एकदम ताज़ा मिल्क होता है, एकदम फ्रेश मिल्क, जिसमें कोई भी कचड़ा ना हो, बिल्कुल भी ऑफ फ्लेवर ना हो, बिल्कुल भी खट्टापन उसके अंदर ना हो, एकदम जो फ्रेश मिल्क होता है ना, वो रखा जाता है फर्स्ट ग्रेड में, उसको हम स्वीट क्रीम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेकंड ग्रेड क्रीम। सेकंड ग्रेड क्रीम में रखा जाता है 2 से 3 दिन पुराने मिल्क को, जिसमें थोड़ा बहुत खट्टापन आ गया हो, लेकिन वो अभी फर्मेंट नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा उसके अंदर खट्टापन आ गया है। तो सेकंड ग्रेड क्रीम में आपका सौर और कोगुलेटेड क्रीम को हम रखते हैं, और रिजेक्टेड क्रीम में हम रखते हैं फर्मेंटेड को, जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो चुका है, दही बन चुका है, या वो बेकार हो चुका है, फट चुका है, उसको रखते हैं हम रिजेक्टेड, मतलब उस क्रीम को हम लेते नहीं। तो बटर बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट ग्रेड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड ग्रेड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो फर्स्ट ग्रेड क्रीम का यूज़ किया जाए, लेकिन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, ग्रेडिंग हो गई। ग्रेडिंग के बाद अपन करेंगे अब इसकी प्री हीटिंग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाती है। प्री हीटिंग करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, इस सभी के प्रैक्टिकल आप अपने घरों में कर चुके हो। इस प्री हीटिंग के बाद हमें क्रीम सेपरेट करनी है। ये जो मिल्क आया है, इस मिल्क में से हमें क्रीम को अलग करना है। तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जब हम मिल्क को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उस दूध के ऊपर एक पतली सी मिल्क की क्रीम लेयर डिपॉजिट हो जाती है, मलाई उसके ऊपर जम जाती है गर्म करने के बाद। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है, उसको प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग से उसकी जो क्रीम है वो आसानी से सेपरेट हो जाती है। प्री हीटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रीम, क्रीम का सेपरेशन करेंगे। क्रीम का सेपरेशन यहाँ पर हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन सिंपली यहाँ पर स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग मतलब उसको घुमाया जाता है, स्पिनिंग ऑफ मिल्क। आप लोगों ने एक फोर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई कैसे होती है, उसको वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल गोल जोर से घुमाए जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जो गंदगी होती है वो बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। सेम यही यहाँ पर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। एक मिल्क को बर्तन के अंदर बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है, उस रोटेशन की वजह से उस मिल्क के अंदर जितना भी क्रीम होता है वो सब साइड में आकर इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से उस क्रीम को हम लोग सेपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सब लोग नॉर्मली आप लोगों ने घरों में भी किया होगा। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। तो क्रीम को सेपरेट किया सेंट्रीफ्यूगेशन से, और उसमें एक्चुअली में क्या होता है, स्पिनिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हमने क्रीम को सेपरेट किया, और जो बाकी का बचा हुआ मिल्क रहता है उसको कहा जाता है स्किम मिल्क। ठीक है भाई, जो हमारे पास मिल्क था उसमें से क्रीम को सेपरेट कर लिया, और क्रीम सेपरेट करने के बाद जो बाकी का मिल्क बचेगा उसे कहा जाता है स्किम मिल्क। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सिंपल पूछ लेते हैं कि स्किम मिल्क क्या होता है। स्किम मिल्क का मतलब होता है मिल्क विदाउट क्रीम, मिल्क विदाउट क्रीम, ऐसा मिल्क जिसके अंदर क्रीम ना हो। अब मिल्क आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्रीम, अगर किसी मिल्क में से सारी क्रीम निकाल ली जाए तो फिर जो मिल्क बचता है वो आपका स्किम मिल्क होता है। जैसे जिनके यहाँ पर पैकेट वाला मिल्क आता है वो समझते होंगे, एक होता है डबल टोन्ड मिल्क, ट्रिपल टोन्ड मिल्क, मतलब वो ये स्किम मिल्क ही होता है, उसके अंदर से सारा फैट कंटेंट, सारा क्रीम कंटेंट निकाल लिया जाता है। अब आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो इस क्रीम के ऊपर होनी है, इस स्किम मिल्क को हमने अलग कर दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट, इस क्रीम का हम कराएंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में, अगर इस क्रीम के अंदर एसिडिटी हुई, मान लो इस क्रीम का पीएच अगर इसका कम हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है आगे पाश्चराइजेशन में। इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आ रहा है पाश्चराइजेशन। आप सभी लोग समझते हैं पाश्चराइजेशन में क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने घर में किया हुआ है।
आप लोगों ने देखा होगा कि जब मिल्क 2 से 3 दिन पुराना हो जाता है तो वो देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उसे हम गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, बेकार हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी डेवलप हो जाती है। एसिडिटी से मतलब है उसके अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म करने पर फट जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप इतना ह्यूज अमाउंट में मिल्क कलेक्ट कर रहे हो, और अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया उस क्रीम के अंदर, मान लो अगर एसिडिटी डेवलप हो गई है, उसको आपने कम नहीं किया, और पाश्चराइजेशन में आके अगर वो पूरी क्रीम ख़राब हो जाए तो कितना लॉस हो सकता है। तो पाश्चराइजेशन में उस क्रीम को बचाने के लिए, वो क्रीम फट ना जाए, उसकी कर्डलिंग ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिक्रीज दी एसिडिटी, एसिडिटी को कम करना होता है। तो यहाँ पर हम एसिडिटी को कम कैसे करेंगे? यहाँ पर दो चीज़ें ऐड की जाती हैं। एक तो हम यहाँ पर लाइम का यूज़ कर सकते हैं, लाइम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और या तो सोडा का यूज़ कर सकते हैं। सोडा अपना यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना सोडा जो आप घर में यूज़ करते हो ना, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, ये वही है, ठीक भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक। तो इसकी वजह से इन दोनों से हम इसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन के बाद अपनी नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्टैंडराइजेशन। स्टैंडराइजेशन इसका क्या काम होता है? पहले तो समझो स्टैंडराइजेशन क्या होता है। इसका सिंपली मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ फैट, एडजस्टमेंट ऑफ फैट कंटेंट। किसी भी क्रीम के अंदर फैट के कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है स्टैंडराइजेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके घर में अगर पैकेट वाला दूध आता है, मिल्क आता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक स्टैंडर्ड मिल्क होता है जिसके अंदर ज़्यादा क्रीम कंटेंट होता है, ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, एक सिंगल टोन उसके अंदर थोड़ा सा कम, एक डबल टोन उसके अंदर और भी कम फैट कंटेंट, एक ट्रिपल टोन उसके अंदर बिल्कुल ही फैट कंटेंट कम होता है। तो वो जो ग्रेडिंग जो की है उन्होंने, सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन, वो किस बेसिस पर की है? स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसके अंदर उन्होंने फैट कंटेंट को एडजस्ट किया है। जैसे कि बटर बनाने के लिए क्रीम के अंदर जो डिज़ायर्ड लेवल है फैट का, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 35 से 40%, ठीक है, ये फैट कंटेंट अपने बटर के लिए, ठीक। तो मान लो हमारे पास, हमें जो बटर बनानी है उसके अंदर फैट कंटेंट कितना होना चाहिए? 35 से 40%। लेकिन हमारे पास जो क्रीम है उसके अंदर फैट कंटेंट इससे भी ज़्यादा है, तो क्या करना है? हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करोगे? इसमें हम लोग ऐड कर देंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क को ऐड करके हम उसके फैट कंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं, उसके फैट कंटेंट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। भाई बटर मिल्क तो ऐड तो करोगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी में ऐड करोगे, उस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक मेथड का यूज़ होता है, जिसका नाम है पियर्सन स्क्वायर मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, लेकिन अभी इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास लेनी पड़ेगी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन में फैट के कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए एक मेथड का यूज़ होता है, पियर्सन स्क्वायर मेथड। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और वो कैसे करते हैं अपन? बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं हिंदी में, बटर मिल्क ऐड करके उसके फैट कंटेंट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, फैट कंटेंट को हमने एडजस्ट कर लिया। अब जाएंगे हम पाश्चराइजेशन पर। पाश्चराइजेशन, ये तो मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ। पाश्चराइजेशन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हीट किया जाता है मिल्क को, जिसमें उसके अंदर सभी हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाते हैं। ध्यान रखना, पाश्चराइजेशन में कभी भी बैक्टीरिया किल नहीं होते, सिर्फ इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रीम का पाश्चराइजेशन होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा, लगभग 82 से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। ये आगे पाश्चराइजेशन प्रोसेस। इसी पाश्चराइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन किया था। अगर यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं करते, और अगर वो मिल्क एसिडिफाइड मिल्क होता, उसके अंदर एसिड कंटेंट ज़्यादा होता, तो पाश्चराइजेशन के टाइम पर पूरा की पूरा मिल्क खराब हो जाता, कर्डलिंग हो जाती, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता। क्योंकि घर में तो अपना 1 लीटर 2 लीटर दूध होता है, भाई यहाँ पर तो हजारों लीटर दूध है, क्योंकि बहुत सारे लेवल पर हमको क्रीम वो बनाना है बटर, इसलिए उस लॉस को बचाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पाश्चराइजेशन सक्सेसफुल हो गया 80 to 88 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब इसके अंदर के सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने किल कर दिए। अब आ जाओ राइपनिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है भाई।
राइपनिंग में क्या मतलब उसको पकाना थे हम। राइपनिंग सिंपल सी हम बात कर सकते हैं कि अब हमें इस मिल्क को थोड़ा सा राइप करना है। राइप का मतलब हो गया उसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन लेके आना है। राइप का मतलब सिंपल सा होता है कि भैया जब हम दूध से दही जमाते हैं, दूध से जब हम दही बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइपनिंग ही बोलते हैं। राइपनिंग का मतलब है कि उस दूध में हमको थोड़ा सा खट्टापन लेकर आना है। इसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस सॉरनेस, थोड़ा सा खट्टापन लेके आना है। और वो खट्टापन सिर्फ सॉरनेस किस बेसिस पर लानी है, उसके फ्लेवर के लिए, उसके स्वाद के लिए। क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में जो बटर खाया होगा, आप लोगों ने अगर अमूल बटर की टिक्कियाँ खाई हो तो उसमें आपने देखा होगा उसके टेस्ट में हल्का सा खट्टापन आता है, ज़्यादा खट्टा नहीं रहता, वो हल्का सा खट्टा रहता है। तो राइपनिंग में हमें क्या करना है, सॉरनेस लेके आनी है, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन लेके आना है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर भाई खट्टापन लाने का मतलब है यहाँ पर इसका पीएच हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पीएच को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर कहो कि हमें इसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ न्यूट्रलाइजेशन में हमने डिक्रीज क्यों किया, फिर यहाँ पर अगर पीएच एसिडिटी को बढ़ाना ही था तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, पहले इसको कम किया फिर दोबारा से बढ़ा रहे हो। इसको कम करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पाश्चराइजेशन से बचना था हमको, हालांकि हमें एसिडिटी कम ही चाहिए थी उसके टेस्ट के लिए, लेकिन पाश्चराइजेशन से पहले नहीं, क्योंकि पाश्चराइजेशन के बाद वो मिल्क खराब हो सकता था, वो क्रीम खराब हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की एसिडिटी को कम कर लिया। अब वापस से फिर बढ़ाएंगे तो एसिडिटी कैसे बढ़ाओगे आप, ऑब्वियसली यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, एक तो होते हैं एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टेफाइलोकोकस लैक्टिस। इसका आप यूज़ करना, ठीक है, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। और एक दूसरा बैक्टीरिया है फ्लेवर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है, इससे फ्लेवर प्रोड्यूस होता है। इसमें भी एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस डायएसिटाइल लैक्टिस। ये क्या करता है, ये जो आपका फ्लेवर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये ऑक्जेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराकर कन्वर्ट कर देता है उसे डायएसिटाइल में। नाम से समझ में और आ रहा है डायएसिटाइल लैक्टिस, मतलब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डायएसिटाइल। अब डायएसिटाइल का फ्लेवर कैसा होता है, इससे फ्लेवर कैसे बढ़ेगा भाई, क्या आपने टेस्ट किया है कभी डायएसिटाइल? अब देखो फ्लेवर को यहाँ बोर्ड पर तो डिफाइन कर नहीं सकते, फ्लेवर तो जब तक आप चेक नहीं करोगे, उसको टेस्ट नहीं करोगे, तब तक फ्लेवर समझ में नहीं आता। तो इस डायएसिटाइल का फ्लेवर कैसा होता है, आप में से अगर किसी ने बटर स्कॉच की आइसक्रीम खाई हो, जिसने नहीं खाई वो बटर स्कॉच की आइसक्रीम एक बार खा लेना, तो जो टेस्ट बटर स्कॉच आइसक्रीम में होता है सेम वही टेस्ट वही फ्लेवर इस डायएसिटाइल की वजह से आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डायएसिटाइल है ना, इसका कंटेंट भी हाई होना चाहिए, इसीलिए इसका यूज़ किया है, क्योंकि हमें हाई कंटेंट में डायएसिटाइल चाहिए, तभी उसका टेस्ट बटर स्कॉच आइसक्रीम जैसा आएगा। लेकिन अगर इसका लो कंटेंट हुआ तो, लो कंटेंट होगा ना तो ये अल्कोहल जैसी स्मेल देगा, उस बटर को जब हम कंज्यूम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुंह में हमने शराब भर रखी हो, अल्कोहल वाली बदबू आएगी। ठीक है, तो हाई कंटेंट डायएसिटाइल होना चाहिए। ठीक भाई, तो राइपनिंग प्रोसेस हो गई। अब देखो जब बैक्टीरिया को हम ऐड करते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनक्यूबेट करना पड़ता है, थोड़े समय के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया उसके अंदर डाल दिया, कल्चर उसके अंदर डाल दिया, ये क्या है, स्टार्टर कल्चर है, ये भी लिख लो, ये क्या है, स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर क्या होता है बता चुका हूँ पहले, तो ये क्या है आपके स्टार्टर कल्चर। इस पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कितना डाला जाना चाहिए, 0.5 से लेके 2% तक ऑफ द वेट ऑफ क्रीम, जितना भी आपका क्रीम है उस क्रीम के वेट का 0.5 से 2% तक हमें स्टार्टर कल्चर यूज़ करना है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया डालने के बाद क्या करोगे भाई, इसको इनक्यूबेट करना पड़ेगा हमें एट 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिससे इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और जैसे ही डिज़ायर्ड लेवल की एसिडिटी हमको मिल जाए, डिज़ायर्ड लेवल की एसिडिटी मतलब जिसका पीएच 5.1 से 5.3 के बीच में हो, तब हमें इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, इस एसिडिफिकेशन के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एसिडिटी मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, जो बटर बनाने वाला है, जो बटर बनाने वाला एक्सपर्ट है वही डिसाइड करता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि 2, 3, 4 इस तरह की कोई वैल्यू हो, ये वाइट टेस्ट करके समझ में आती है।
जैसे हम खाने में नमक डालते हैं ना, तो नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि 3 लेवल की नमक डालो, 4 लेवल पर नमक डालो, 5 लेवल पर नमक डालो। स्वाद अनुसार टेस्ट जो खाना बनाने वाला एक्सपर्ट होता है वो समझता है कितना नमक डालना चाहिए। ठीक उसी तरह से जो बटर बना रहा है वो भी एक्सपर्ट है, वो भी समझता है कि कितनी लेवल की एसिडिटी चाहिए, वो उसे टेस्ट करके देखेगा और बताएगा कि हाँ फ्लेवर इसके अंदर ठीक है, एसिडिटी भी इसके अंदर ठीक है, अब हमें ये इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस कैसे रोकी जाती है भाई? प्रोसेस को अगर नहीं रोकोगे तो पीएच आपका 5.1 से भी नीचे चला जाएगा भाई, एसिडिफिकेशन तो कंटिन्यू हो रहा है, ये बैक्टीरिया तो कंटिन्यू काम करते रहेंगे। जैसे ही डिजायर्ड लेवल की एसिडिटी आएगी, आपकी इच्छा अनुसार जो एसिडिटी हमें मिल जाएगी, वहाँ पर हमें प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। कैसे स्टॉप करोगे? ठंडा करके। इस क्रीम को हम तुरंत ठंडा कर देंगे और कितने पर ठंडा करेंगे? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिससे टू स्टॉप एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है भाई, ठंडा कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो राइपनिंग प्रोसेस हो गई, जिसका मेन जो उद्देश्य था कि भाई एक प्रॉपर हमको सॉरनेस चाहिए, एक फ्लेवर चाहिए, वो हमको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कूलिंग एंड एजिंग। कूलिंग एंड एजिंग में क्या होता है? अभी तक इस राइपनिंग तक हमारी जो क्रीम थी ना, वो कैसी थी? लिक्विड फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में? अभी तक लिक्विड फॉर्म में। अब इस क्रीम को हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको क्रिस्टलाइज करना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ घी से। गर्मियों के टाइम पर घी लिक्विड में रहता है, ठीक है, और सर्दियों के टाइम पर वही घी क्रिस्टलाइज हो जाता है, जम जाता है। तो हमको बटर के साथ भी वही करने है। अभी तक बटर कैसा है? लिक्विड है। अब इसे कूलिंग एंड एजिंग करनी पड़ेगी, सिंपली इसको हम बोल सकते हैं इसकी फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, इसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। तो कूलिंग और एजिंग से क्या हो जाएगा? जो आपका बटर है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है, जम जाएगा। अब कूलिंग और एजिंग के बाद क्या करोगे आप? इसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आती है चर्निंग। यही है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। चर्निंग में क्या होता है? सिंपल सा शेकिंग ऑफ क्रीम, क्रीम की शेकिंग की जाती है। और ये सभी लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने घर में अगर किसी कोई मक्खन बनाता है तो वो लोगों ने देखा होगा। चर्निंग में क्या होता है? शेकिंग ऑफ क्रीम का मतलब, जब हम घी बनाते हैं, जिन लोगों ने घर पे घी बनाने का तरीका देखा होगा, तो मेरे घर पे तो घी ऐसे बनता है कि जो क्रीम रहती है उसको एक बर्तन में रख के जोर जोर से उसको हिलाया जाता है, जोर जोर से उसको शेक किया जाता है। और तब तक शेक किया जाता है जब तक कि उसका वाटर अलग ना हो जाए, जब तक कि वो जो क्रीम है वो पानी ना छोड़ दे। जैसे ही उसमें से वाटर अलग हो जाएगा और वो क्रीम अलग हो जाएगी, तो वो जो सेपरेशन होगा सॉलिड पार्ट का, भाई चर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, जो इसका लिक्विड पार्ट है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और एक तरफ इसका सॉलिड पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो जो सॉलिड पार्ट सेपरेट होगा ना, उसी को कहा जाएगा बटर, ठीक है भाई। और ये जो लिक्विड पार्ट सेपरेट होगा ना, इसको कहते हैं बटर मिल्क, जिसको हिंदी में कहते हैं हम छाछ, छाछ पीते हो ना गर्मियों में। तो बटर मिल्क क्या होता है? चर्निंग के बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है वो आपका बटर मिल्क होता है, जो सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है वो आपका बटर होता है, ठीक। इस बटर में फिर आप इसकी, अब देखो ये जो बटर है ना, घर की अगर हम बात करें, देसी बटर की बात करें, तो वो तो बन चुका, ये क्या हो गया आपका देसी बटर है, यहीं पर प्रोसेस ख़त्म। इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, देसी बटर का हो या फिर इसको हम कह सकते हैं वाइट बटर, सफ़ेद रंग का होता है ये, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री में प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके आगे भी होती है। इसके आगे हम करते हैं इसके अंदर सॉल्टिंग। सॉल्टिंग के यहाँ पर दो पर्पस हैं, एक तो स्वाद के लिए भी होता है, टेस्ट के लिए भी होता है, क्योंकि मार्केट में हम जो बटर लेकर आते हैं वो थोड़ी सी सॉल्टी होती है, वो टेस्ट हमें अच्छा लगता है। तो सॉल्टिंग के दो पर्पस हैं, एक तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए और दूसरा प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करता है। नमक ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसकी कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। सॉल्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन सॉल्ट, जो हमारा सादा नमक होता है घर पर, NaCl, उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कलरिंग भी कर सकते हैं। मार्केट में देखा होगा आपने, जो अमूल बटर की टिक्की आपने देखी होगी, वो पीले रंग की होती है। तो कलरिंग में यहाँ पर हम दो चीज़ों को विशेष याद रखेंगे, उन पर क्वेश्चन आता है। एक तो हम कैरोटीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन। और दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एनोटा। कौन सा है? एनोटा।
इस एनोट के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी एनोट क्या होता है, देखो आपका एक प्लांट है एचियोट ट्री। इस एचियोट ट्री के जो सीड है, रेड कलर के सीड होते हैं भाई इसके, इस सीड से बनता है पाउडर और उस पाउडर को ही कहते हैं एनोट। गूगल पर सर्च कर लेना एचियोट ट्री, इसके अंदर लाल रंग के फ्रूट बनते हैं, उसके अंदर रेड कलर का ही सीड होता है, उस सीड को मिक्स करके उसको पीस करके ग्राइंड करके उससे पाउडर बनता है, उस पाउडर से सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे कहते हैं एनोट। और इस एनोट का यूज़ बेसिकली हम कलरिंग की में यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे फूड मटेरियल हैं उसमें कलर देने के लिए ही हम इस एनोट का यूज़ करते हैं। तो ये इसके अंदर बहुत यूज़ होता है कमर्शियल लेवल पर, एनोट का बहुत यूज़ किया जाता है बटर में कलर देने के लिए। ठीक है, कलरिंग प्रोसेस हो गई, कलरिंग के बाद इसकी पैकिंग करो, ठीक है, और पैकिंग के बाद आती है आपकी स्टोरेज। अब यहाँ पर स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैकिंग करने के बाद आप डायरेक्ट मार्केटिंग पर नहीं जा सकते, ध्यान रखना, स्टोरेज करने के बाद ही आप इसे मार्केट में उतारोगे, आप डायरेक्ट पैकिंग से मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि स्टोरेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर -23 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो आप पैकिंग करोगे तो क्या होगा, सारा के सारा बटर पिघला हुआ होगा, उसकी आप मार्केटिंग करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसको पहले सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा -23 से -29 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे वो और ज़्यादा सख्त हो जाए, सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाए, और फिर उसको मार्केटिंग करना है। तो जैसे आपने देखा होगा गरम गरम रोटी पर जब हम अमूल की टिकिया डालते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होती है, और आपने हमेशा देखा होगा अमूल की जो अपनी टिकिया होती है वो हमेशा फ्रिज में से अपन को ला के दी जाती है, उसको हमेशा स्टोरेज उसका हमेशा लो टेम्परेचर पर ही होता है, और ख़ास करके इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ तो हमको स्टोरेज -23 से -29 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, और स्टोरेज के बाद ही उसे हम मार्केट में ले जाते हैं। तो ये हो गया अपना कंप्लीट बटर मेकिंग प्रोसेस। ठीक,